दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार, मुझे लगता है वो ज्यादा की गई है। बहुत लोग बोलते हैं कि यार इसका इंजन जो है वो थोड़ा अंडर पावर है, हैचबैक कार्स ले जाते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। हाय गाइस, वेलकम टू रियल कार इंपैक्ट्स, एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, ये वीडियो जो होने वाला है ये एक ओनरशिप एक्सपीरियंस होने वाला है, ये मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस होने वाला है टाटा पंच के रिगार्डिंग। इस कार को मैं लास्ट 6 to 8 months से ओन कर रहा हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसके सारे पॉजिटिव, इसके सारे नेगेटिव। इस कार को मैंने हिल्स पे भी ड्राइव किया है, इस कार को मैंने सिटी पे भी ड्राइव किया है। तो जो ये वीडियो होने वाला है ये प्योरली मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे होने वाला है। और अगर आप में से कोई ये कार लेने की सोच रहा है तो क्या ये उसको ये कार लेनी चाहिए या नहीं, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम बात करते हैं इसकी कुछ पॉजिटिव्स की, एंड देन हम बात करेंगे इसकी कुछ नेगेटिव्स की। आई एम नॉट अ सेल्समैन, तो जो भी रिव्यूज रहेंगे वो मेरे जेन्युइन एक्सपीरियंस के बेस पे रहेंगे। तो गाइस, अगर मैं इसके पॉजिटिव्स की बात करूं तो इसका सबसे पहला पॉजिटिव है इसकी सेफ्टी। ये कार वन ऑफ द सेफेस्ट कार इन इंडिया है, एंड इस प्राइस रेंज में आपको इतनी सेफ्टी और कोई कार ऑफर नहीं करती। तो अगर आप एक सेफ कार चाहते हो तो आप इस कार को ऑफ कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट जो मुझे इसमें सबसे अच्छा लगा है यार, वो है इस कार में जब आप बैठते हो तो आपको जो विजिबिलिटी मिलती है वो बहुत बढ़िया है। इस प्राइस आपको पूरा लाइक व्यू, आगे का व्यू आपका पूरा क्लियर रहता है, आपको जो विजिबिलिटी ऑफर करती है ड्राइवर को ये, तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। एक तो ये गाड़ी थोड़ी ऊंची है तो जिस पोजीशंस पे आप इसको ड्राइव कर रहे हो, जिस विजिबिलिटी आपको जो ऑफर कर रही है वो भी बेस्ट है और वो एक प्लस पॉइंट है इस कार के लिए। कोर पॉइंट जो मैं इसका पॉजिटिव मानता हूँ यार, वो है इसका सस्पेंशन। इसका सस्पेंशन बहुत ही अच्छा सेटअप किया हुआ है गाइस, बहुत ही अच्छा सस्पेंशन सेटअप है इसका। आप किसी कितनी भी खराब रोड्स पे जाओगे आपको फील नहीं होगा कि आप कोई खराब रोड पे ड्राइव कर रहे हो अपनी कार। तो बहुत ही अच्छा सस्पेंशन, अच्छा ट्यून किया हुआ है। टाटा को मैं हैट्स ऑफ करना चाहता हूँ इस बारे में कि लाइक जितना प्यारा उन्होंने सस्पेंशन इसका ट्यून किया हुआ है, बहुत ही अच्छा। एक और अच्छा पॉइंट है इस कार का है, वो है इसकी हैंडलिंग। इस कार का स्टीयरिंग गाइस इतना लाइट है कि आपको सिटीज में आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपको कुछ हैवी लग रहा है स्टीयरिंग पे या कुछ। और सिमिलरली अगर आप इसको कार को जब हाईवे पे लेके जाते हो हाई स्पीड में, इसका स्टीयरिंग जो है ना अपने आप एक स्टीयरिंग में अपने आप वो एक हार्डनेस आ जाती है जो कार को काफी स्टेबल बनाता है और आपको कार हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तेज स्पीड पे भी। तो वो इसका एक प्लस पॉइंट है। और गाड़ी ऊंची है फिर भी गाड़ी में इतना बॉडी रोल नहीं है, बहुत ही स्टेबल रहती है हाईवे पे जब भी इसको ड्राइव करते हो, और आपको एक कॉन्फिडेंस फील कराती है कि यार आप हाईवे पे तेज स्पीड पे भी जब इसको ड्राइव करते हो तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस देती है ये कार। तो आपका वो कॉन्फिडेंस एज अ ड्राइवर, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देती है कार। अगला जो मैं इसका पॉजिटिव आपसे साथ शेयर करूंगा वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी ऑफर करती है, और ये ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही हेल्प करती है गाइस। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं इस कार को शिमला लेके गए थे हम, और हमने इसको एक मशोबरा, शिमला टू मशोबरा हम लोग जा रहे थे, और हमने इसको एक ऐसे ही बिल्कुल कच्ची सड़क थी, गांव की सड़क थी, और वहाँ पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ने इतना सपोर्ट दिया हमें कि अगर इसके अलावा कोई और अगर हम कार ले जाते, हैचबैक कार्स ले जाते तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ड्यू टू हिज ग्राउंड क्लियरेंस। इसने ईजिली वो पैच क्लियर किया और काफ़ी ज़्यादा लाइक कन्वीनियंट बनाया हमारा वो रास्ता। गाइज, ये तो बात हो गई इसकी पॉजिटिव की, अब बात करते हैं कुछ इसके नेगेटिव्स की, जो मुझे लगते हैं इसके नेगेटिव्स हैं। ये नेगेटिव बहुत लोग बोलते हैं कि यार इसका इंजन जो है वो थोड़ा अंडर पावर है। यस, दे आर राइट। इसका इंजन जो है वो रियली में बहुत थोड़ा अंडर पावर है, बिकॉज इस गाड़ी का अगर वेट रेशियो से इसका इंजन कंपेयर करें तो इसका इंजन कहीं ना कहीं लैग करता है, और इसका इंजन उतना कैपेबल फील नहीं होता कई जगह पे। जब इनिशियली जब आपको पिकअप लेना हो हाईवेज पे, आपको इनिशियल पिकअप चाहिए, तो वो जल्दी पिकअप ये गाड़ी आपको नहीं देगी। हाँ, अगर आपको एक डिसेंट स्पीड मेंटेन करके आप लोग चलते हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, बट अगर हाँ आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन चाहिए गाड़ी से, तो ये गाड़ी आपको वो इंजन ऑफर नहीं करती है। तो ये रियलिटी है गाइस, कोई भी ऑफेंड मत होना, बट ये रियलिटी है इस कार की कि इसका इंजन सच में थोड़ा अंडर पावर है। सेकंड जो इसका नेगेटिव मैं बोलूँगा वो है इसका प्राइसिंग को लेके भी, बिकॉज जो इसके हायर मॉडल है अबव लाइक क्रिएटिव,
तो मुझे लगता है वो कुछ ज़्यादा ही प्राइज है, और अगर आपको उतना प्राइस अगर आप पे कर रहे हो तो उतने प्राइस में आपको इससे बेटर कार मिल सकती है मार्केट में। तो इसकी प्राइजिंग जो इसके अपर मॉडल्स की है मुझे लगता है वो ज़्यादा की गई है, तो वो एक कुछ कम हो सकती थी। तो मैं उस चीज़ को कहूँगा कि एक नेगेटिव चीज़ है। अगर आप उतनी रेंज में आप कोई कार लेना चाहते हो तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसका रेंज में। एक पॉइंट और है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, इस कार में फिट एंड फिनिश का भी बहुत इशू है गाइस। आपको कई जगह पैनल गैप्स दिखेंगे, वो बहुत ज़्यादा हैं जो लगता है, और अगर मेरे उससे टाटा को उसमें काम करना चाहिए, और ये फिट एंड फिनिश के इशू को इससे ये इजीली इस टाटा कर सकती है इसमें काम, और ये इशू इतना बड़ा नहीं है, टाटा इसको दूर कर सकती है इस अपनी कार से। तो फिट एंड फिनिश का एक इशू है जो टाटा की कार में है। एक और नेगेटिव जो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा वो है लाइक इसकी आफ्टर सेल सर्विस। टाटा इस पर काम कर रही है, एंड कंपेयर करूँ मैं पहले के मुकाबले आफ्टर सेल सर्विस में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, और आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी ज़्यादा पहले से अच्छी हो गई है टाटा की अब तो। अब ये इतना नेगेटिव पॉइंट नहीं रहा, बट फिर भी स्टिल अभी भी बहुत से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है टाटा को आफ्टर सेल सर्विस पे। तो गाइज़ यही कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो इस कार के हैं। अदरवाइज़ अगर आप कार लेना चाहता है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा वो ये कार ले सकता है। तो जिसके स्टार्टिंग मॉडल्स हैं नो डाउट यार, विदाउट एनी डाउट आप लोग ये कार ऑप्ट कर सकते हो, और आई थिंक इस प्राइस रेंज पे दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।